समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की प्रत्याशी पूजा पाल जी, बहुजन समाज पार्टी जिले के मुखिया जिलाध्यक्ष आदरणीय रामविलास गौतम जी। वैसे हसनगंज से विधायक रहे और फिर मोहान से विधायक रहे भाई आदरणीय राधेलाल रावत जी, अनवर सिद्दीकी जी, आदरणीय जगदीश यादव जी, मनोज जी, बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष जी और आए हुए सभी सम्मानित प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी, नौजवान साथियों, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के क्रांतिकारी साथियों, मुझे लगता है सब लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी है। गर्मी कितनी है हाल में? बहुत, लेकिन इस गठबंधन की गर्मी ज्यादा दिख रही है, क्योंकि राजनीति में जो गठबंधन होते हैं वो ज्यादातर गठबंधन पार्टियों के अपने स्वार्थ और लालच के होते हैं। इस पूरे देश में हर प्रदेश में गठबंधन हुए, लेकिन कभी कभी कोई गठबंधन ऐसा होता है जो पार्टी के लालच और स्वार्थ का नहीं होता है, वो सामाजिक परिवर्तन का होता है, वो बदलाव का होता है, और ये गठबंधन बदलाव का गठबंधन है। ये गठबंधन एक बार माननीय काशीराम जी और आदरणीय नेता जी ने किया था, जब पूरे देश में एक धार्मिक उन्माद था और उस समय लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। हम लोग छोटे छोटे थे, नारे लगते थे, हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी जो नकली हिंदू हैं इस देश में वो अजीब तरीके के नारे लगाते थे। और उस समय हम लोगों को याद है भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि भगवान भी अगर उतर आवे तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। लेकिन जो नेताजी ने और मनोहर काशीराम जी ने गठबंधन किया वही भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता से बाहर। एक बार फिर तानाशाही का दौर आया, पूरे देश में लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता, भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। हम धन्यवाद देंगे माननीय अखिलेश यादव जी को, माननीय मायावती जी को, जब पूरे देश में इस बात की चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी को कोई ताकत नहीं हरा सकती, तो औपचारिक गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को उन्हीं के घर में पटकनी इसी महागठबंधन में। और ये बात हम आप स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, या जितने भी लोग टीवी, अखबार या सामाजिक ताने बाने को जानते हैं वो जानते हैं कि इस देश में दो लोगों ने जरूर मान लिया है कि ये गठबंधन उनको हरा देगा, एक का नाम नरेंद्र मोदी है और दूसरे का नाम अमित शाह। और इन दोनों के बाद क्या भाजपा में कुछ बचता है? इन दोनों लोगों के बाद भाजपा में कुछ बचता है? और सपा और बसपा के गठबंधन के बाद भी क्या कुछ बचता है? दोनों चीजें याद रखना, उन दोनों के बाद भाजपा में कुछ नहीं और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के मिलने के बाद किसी का कुछ नहीं। आप बताइए अवकाश ब्लॉक में सपा बसपा के गठबंधन के बाद मैं प्रमुख जी से पूछ रहा था कि और कुछ बचता है कि नहीं बचता है, तो प्रमुख जी ने गाड़ी में बताया कि सीला बिनने के लिए भाजपा और कांग्रेस के पास कुछ बचता है, बाकी बचता कुछ नहीं। और कल जब हम लोग बात कर रहे थे माननीय विधायक जी से मैंने पूछा कि हम लोग पूरे जिले में सबसे कमजोर कहाँ लड़ेंगे, तो विधायक जी ने कल कहा सबसे कमजोर मोहान विधानसभा लड़ेंगे। कल मैंने विधायक जी की बात मान ली थी, आज लेकिन जब माननीय प्रत्याशी के साथ, विधायक जी के साथ, प्रमुख जी के साथ
अपने विधानसभा के अध्यक्षों के साथ, बसपा के जिला अध्यक्ष के साथ जब हम लोग निकले और अजगैंज से लेकर के और आज तक जन सैलाब देखने के बाद जिस तरीके से बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, नौजवानों ने सहयोग किया, माताएं बहनें निकल करके आई, उन्होंने समर्थन किया, जो बात मैंने कल विधायक जी की मानी थी उस बात का आज मैं खंडन करता हूं। ये विधानसभा सबसे बड़ी जीत होने वाली है। इसलिए चुनौती हमारे आपके सामने सिर्फ इसलिए नहीं है, ये चुनाव इस बात का भी नहीं है कि आप पूजा पाल को एमपी बना देंगे। आपका ये चुनाव, मैंने फिर कहा, गठबंधन पूरे देश में हुए, लेकिन अगर पूरे देश की नज़र किसी गठबंधन पर है तो वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है उस पर है। और उस पर क्यों है? उस पर इसलिए है देश की नज़र, क्योंकि देश भी जानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो अखिलेश यादव और मायावती जी हरा सकते हैं, बाकी कोई नहीं हरा सकता। इस गठबंधन पर सिर्फ उत्तर प्रदेश का किसान उम्मीद नहीं लगाए, तमिलनाडु का किसान भी उम्मीद लगाए हैं, जो दिल्ली में बैठ करके धरना दे करके महीनों चला गया, अपनी पेशाब उसने पी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उनकी बात नहीं सुने। उन नौजवानों को भी है जो भटक रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। उन शिक्षा मित्रों को भी है जो 500 से अधिक भाई बहन फांसी लगा करके जहर खा करके आत्महत्या कर लिए। उन आंगनबाड़ी बहनों की भी उम्मीद है आप लोग, जो लगातार सरकार से अपनी बात रखती हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जिस गरीब को अपने बच्चे के पढ़ाने की फीस नहीं है, उस फीस की उम्मीद अगर कोई है तो ये गठबंधन है। जिस बीमार आदमी को इलाज कराने का पैसा नहीं है, उस बीमार आदमी की दवाई की अगर कोई उम्मीद है तो ये गठबंधन है। और ये उम्मीद माननीय अखिलेश यादव और मायावती जी से जागी है, लेकिन ये उम्मीद पूरी होगी हमसे, आपसे मिल करके, सपा बसपा के एक एक कार्यकर्ताओं से मिल करके। अगर हमने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हरा दिया तो भारतीय जनता पार्टी कोई समीकरण ले ले, दिल्ली की गद्दी से उसको हटना पड़ेगा, और दिल्ली की गद्दी में कौन बैठेगा ये अखिलेश यादव जी और मायावती जी के अलावा कोई नहीं तय कर सकता। लेकिन ये सच है कि जो दिल्ली की गद्दी में बैठेगा वो किसान की बात करेगा, कमजोर की बात करेगा, पिछड़े की बात करेगा, दलित की बात करेगा, मुसलमान की बात करेगा, हर उस गरीब आदमी की बात करेगा जो उपेक्षित महसूस कर रहा है, जो समाज में जिसको लग रहा है कि अन्याय हो रहा है, जिसको लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, जिसको लग रहा है कि तानाशाही आ गई। आप थाने पर चले जाइए, जात पूछ करके FIR लिखी जाती है। आप अस्पताल में चले जाइए, जात पूछ करके दवाई दी जाती है। ये पहली सरकार है जहां जात पूछ के दवाई दी जाती है, वरना तो डॉक्टर बीमारी पूछ के दवाई देता था। बात सोचो हम आज किस दौर में। ये संकट बड़ा है, लेकिन इस संकट को हम आप खत्म कर सकते हैं, हमें उम्मीद है और भरोसा है। मैंने फिर कहा, मैं कहूँगा कि कुछ गठबंधन बदलाव के होते हैं। उत्तर प्रदेश का ये गठबंधन बदलाव का है, कई नए रास्ते खोलेगा। ये गठबंधन किसानों के लिए रास्ते खोलेगा, गरीब के लिए रास्ते खोलेगा, कमजोर के लिए रास्ते खोलेगा, बीमार के लिए रास्ते खोलेगा, लेकिन नए रास्ते खोल करके नई तरक्की की तरफ जाएगा। और मैं फिर कहता हूँ, इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल हमारे आपके उन भाइयों की नहीं है जो बॉर्डर पर AK-47 लेकर के या तो रेत पर खड़े हैं, या बर्फ में खड़े हैं, या गर्मी में खड़े हैं, या बरसात में खड़े हैं। हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि समाज को कैसे बचाएं, देश को कैसे बचाएं। और हमको आपको लड़ाई लड़नी है, लेकिन लड़ाई सीखनी उन्हीं से है जो बॉर्डर पर खड़े हैं। वहाँ अगर कोई भी बहुत बड़ा योद्धा है, वो भी अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह फायरिंग नहीं करता। जहाँ पर तय हो जाता है ये जगह है, ये जगह आपको संभालनी है,
तो ऐसा नहीं है कि यहाँ एक फायरिंग करे फिर दूसरी जगह फायरिंग करने जाए। हमको उन्हीं से सीखना है कि युद्ध कैसे जीतना है, उनसे सीखना है कि चुनाव कैसे जीतना है। जैसे वो युद्ध जीतते हैं वैसे हम चुनाव जीतेंगे। वो अपनी जगह से फायरिंग करते हैं, हम अपना बूथ बचा करके फायरिंग करेंगे, हम अपना गांव बचा करके फायरिंग करेंगे, हम अपना क्षेत्र बचाएंगे। जो व्यक्ति अपना बूथ अपना गांव बचा लेगा वो सोचिए चुनाव जीत जाएगा। अगर हम लोग सोचें कि बूथ यहाँ है गांव यहाँ है, प्रचार हम दूसरी जगह कर रहे हैं जहाँ हमें कोई पहचानता भी नहीं और जानता भी नहीं, हम केवल एक चीज़ जानते हैं, जो अपना बूथ अपनी पोलिंग बचा लेगा वही गठबंधन को जिता देगा। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला, कम से कम मैं प्रमुख जी की उसी बात पे फिर टिका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सीला बिन्ने भर के लिए तो वोट पा सकती है लेकिन वो बोरी नहीं भर सकती। एक बार फिर पुनः अपने सभी बुजुर्गों का धन्यवाद, नौजवान साथियों का धन्यवाद, प्रधान बीडीसी जिला पंचायत सदस्य पूर्व प्रधान पूर्व बीडीसी सभी साथियों का धन्यवाद। और हमने और प्रमुख जी ने मिल करके आपको 4 घंटे इंतजार कराए उसके लिए माफी।